सर, जिस तरह आपके एपिसोड आते हैं धर्मे का कुंभ, और काफी लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हो, जैसे कहते हैं ना कि आज की डेट में अगर हम बड़ी हस्तियों की बात करें उनमें आपकी गिनती भी आती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें तो मेरे दर्शकों का आशीर्वाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरा, मैं अपनी शैली पे काम करता रहा हूँ। मेरी जो शैली है हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देना, और भाई सब तो बढ़िया बात है कि हरियाणवी में हमारी बोली ऐसी है जिसमें हास्यरस बहुत ज़्यादा है, और हंसी एक ऐसी चीज़ है कि वो कहते ना कि किसी एक भी इंसान को आप हंसा दोगे ना, 100 बद्दुआओं पे एक दुआ भी लगती है हास्य कलाकार। तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि भाई हम टेंशन फ्री करेंगे, क्योंकि टेंशन फ्री हो जाएगा आदमी तो 90% बीमारियां तो वो दूर हो जाएंगी। और हास्यरस आज के दिन ख़त्म होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से पता नहीं क्यों, एक होता ना फेस एलर्जी बनाए बैठे हैं। तो मेरा तो यही है कि हर समस्या का समाधान हंसी है। अगर हम हंस लिए तो वो कहते हैं ना कि कोई भी गिले शिकवे सारे दूर हो जाए। सर, जिस तरह अब एपिसोड चल रहा है उसमें रामो नहीं है, क्या नई रामो मिलेगी या फिर पुरानी रामो मिलेगी या और कुछ चेंज मिलेगा? देखो, क्या होता है कि मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा। कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो, कुंडबा बनाते हो, तो देखो चाहे व्यूअर हो, चाहे कुंडबा हो, चाहे अपना घर परिवार हो, आप सबकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। जितनी हो सके उतनी तो की जाएंगी। घर का मुखिया होते हुए मेरे को भी कई जगह ऐसा बंधना पड़ता है, मेरे भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, मेरी भी कुछ एक होता ना कि भाई ये नियम हैं कि भाई इन नियमों का उल्लंघन करोगे तो आप मेरे प्रोजेक्ट से बाहर जाओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेमेंट को लेके सबसे मेन झगड़ा है पीछे का होगा। भाई मैं किसे तो 3,000 दे रहा हूँ, 3,500 दे देगा तो कलाकार उड़े फिसल जाए। ऐसी बात नहीं है, मेरा किसी कलाकार से कोई वो नहीं है। और दूसरी बात ये, आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई भी कलाकार परिपक्व मेरे पास नहीं आया, मैंने अपने क्रिएट किए सभी कलाकार। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आज आप भी एक खुशी में आए हुए हैं, हाँ, क्या फंडी की खुशी कब तक मिलेगी? क्योंकि ये पहले सवाल मैं आपका दे नहीं पाया कि रामो, रामो एक कुणबे का किरदार है, उसको निभाने के लिए कोई भी अभिनेत्री आ सकती है। इसमें ये नहीं होता कि भाई पुरानी नई, या देखो कलाकार बदलते रहते हैं, कलाकार कहीं भी काम करे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं 2 पैसे ज़्यादा मिल रहे हो या कहीं तो, हालांकि जिस लेवल पे हम कलाकार को लेके आए थे उस लेवल को कलाकार छोड़ देता है, वो पैसे के लिए चला जाता है कि यार पैसा मिले, लेकिन वहाँ पे लोग सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कुछ 2 पैसे ज़्यादा दे देते हैं, बाकी उसके बाद में कलाकार को डैमेज करके फिर छोड़ देते हैं। तो कलाकार तो ये होना चाहिए कि कलाकार को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि व्यूवर का भी दिल रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ से उनका दिल जुड़ा हुआ है उनको तोड़ के आप पैसे के पीछे जा रहे हो, वो गलत है। सर, दूसरा क्वेश्चन है, फंडी वाली खुशी मिलेगी जिस खुशी में आ जाए, ऐसी कोई खुशी मिलेगी आपके एपिसोड में? देखो, फंडी वाली खुशी, ब्याह की खुशी कितने पंगे तक मिली थी, शायद उतने पंगे तक दूसरी भी खुशी मिलेगी। देखो क्या होता है कि हमारे समाज में जैसे शादियां होती गाँव देहात में, वैसे ही कई बार कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, बच्चे देर से होते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल गया भाई इतने दिन बाद करेंगे, लेकिन पहले कुछ अलग ट्रेंड था। मारा एक फंडी साहब बेचारे ने बालक बुद्धि है, उन्हें बेरा को ना उन्हें ज्ञान देंगे फिर खुशखबरी भी दे देंगे। चलते चलते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने एपिसोड के दौरान? मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के एक बात ही कहूँगा कि मेरे से जुड़े रहे, आपको वचनबद्ध हूँ हंसाने के लिए और हंसाता रहूँगा, चाहे कुणबा चालो, चाहे मैंने फिल्म शॉर्ट फिल्म आए, मेरी बड़ी फिल्म आए, लेकिन इस बात की गारंटी अपने संस्कृति और अपने परिवेश, अपना गांव देहात और अपनी भाषा, अपनी बोली पे मुझे गर्व है, और मैं उसको बार बार दिखाता रहूँगा और आपको हंसाता रहूँगा। कुणबा तो नहीं चाले जाएगा, सीजन 2 मेरा जल्द ही वो होगा, 3rd शुरू होगा, उसके बीच में हम मूवीज लेके आएंगे। अच्छा, कुछ कलाकारों ने अलग भी आपके कंपटीशन में लिया है यूट्यूब पे आपकी तरह चैनल, अच्छी बात है, कंपटीशन करना कोई बुरी बात नहीं, मैं खुश हूँ और उनको भी वो कहते ना आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे यहाँ से कुछ उनको मिला है, उसके बलबूते पे वो खुद कर रहे हैं, तो मेरे को खुशी है। और
वो भी खुश रहें और बढ़े, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। वो अच्छा कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन कर रहे, को तो ना कि गुरु का कंपटीशन कोई कर रहा है, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।